हेलो बच्चों, आज हम 12th रिटेल का जो थर्ड यूनिट है वो कर रहे थे, तो आज हम उसका सेकंड सेशन करेंगे। वो है सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, यानी कि सुरक्षा उपकरण। तो हमने इससे पहले के लेसन में, फर्स्ट सेशन में हमने किया सिक्योरिटी के बारे में कि सिक्योरिटी क्या होती है, सिक्योरिटी गार्ड क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं और कैसे सुरक्षा करते हैं। तो जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, जो सुरक्षा करने वाले व्यक्ति हैं, गार्ड हैं, वो हमारे ऑफिस की, बिल्डिंग की, एरिया की सुरक्षा करते हैं। तो वो सुरक्षा करने के लिए कुछ उपकरण इस्तेमाल करते हैं, कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते हैं। वो होते हैं सुरक्षा उपकरण या सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स, जिनका इस्तेमाल सुरक्षा करने के लिए किया जाता है। वो सुरक्षा एरिया की भी हो सकती है, कर्मचारियों की भी हो सकती है, कस्टमर्स की भी हो सकती है। तो सिक्योरिटी इक्विपमेंट से उपकरण कौन से हैं? फर्स्ट है मेटल डिटेक्टर। मेटल डिटेक्टर क्या होता है? ये एक ऐसा उपकरण होता है जो कि मेटल्स यानी कि धातुओं को डिटेक्ट करता है, पता लगाता है। जैसे ही इस मशीन के संपर्क में कोई धातु आती है तो उसमें से बीप बजती है। आपने देखा होगा कि कई बार कोई प्रोग्राम होता है तो एक गेट बना होता है, गेट के अंदर जाते हो आप, अगर कोई मेटल है तो उसमें बीप बजती है, वो है मेटल डिटेक्टर। तो मेटल डिटेक्टर दो तरह के होते हैं, डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर और हैंड हेल्ड। डोर फ्रेम तो मैंने बताया कि एक डोर यानी कि दरवाजा होता है, उसके ऊपर एक फ्रेम लगा होता है जो कि मेटल डिटेक्टर होता है। जैसे ही आप उस दरवाजे में से जाओगे, अगर कोई मेटल है तो उसमें बीप बजेगी। दूसरा है हैंड हेल्ड स्कैनर। हैंड हेल्ड स्कैनर या डिटेक्टर क्या होता है? आपने देखा होगा बेटा टीवी में या कभी भी किसी प्लेस पे कि जब कोई कस्टमर या कोई भी व्यक्ति जाता है तो एक इतना का डिटेक्टर होता है, वो पकड़ के ऐसे आसपास सारा लगाते हैं और चेकिंग करते हैं, वो है हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर। दूसरा है सेफ्टी जैकेट्स। सेफ्टी जैकेट्स क्या होती है? सेफ्टी जैकेट पहनी जाती है सुरक्षा के लिए। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ फौजी लोग हैं या कुछ है, वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहनते हैं या अन्य अनेक प्रकार की जैकेट्स पहनी जाती हैं व्यक्ति के काम के अनुसार। ठंडे स्थानों पर काम करने वाले जो व्यक्ति हैं वो पॉलिथीन जैसा कुछ स्टफ होता है उस तरह की जैकेट पहनते हैं। नेक्स्ट इज सर्च लाइट। सर्च लाइट टॉर्च देखी होगी आपने, टॉर्च की तरह ही एक बड़ी लाइट होती है सर्च लाइट, जिससे कि रात में दूर तक दिखाई देता है और सुरक्षा करने में हमारी मदद होती है। नेक्स्ट है फायर अलार्म्स। फायर अलार्म क्या होता है? आग लगने पर बजने वाले अलार्म। ये फायर अलार्म जो होते हैं ये ऑफिस में लगाए जाते हैं, बिल्डिंग में लगाए जाते हैं। जैसे ही इनके आसपास कहीं धुआं होता है तो ये तुरंत अलार्म तेज बजने लगते हैं, जिससे कि पता लग जाता है कि बिल्डिंग में आग लगी है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट्स। रिफ्लेक्टिव सेफ्टी जैकेट्स क्या होती है? ये ऐसी जैकेट होती है जो रात में रिफ्लेक्ट करती है, मतलब कि चमकती है रात के समय पे। अब कई एरिया ऐसा होता है जहाँ पे अगर कर्मचारी काम करता है तो उसे अनेक प्रकार के खतरे हो सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनते हैं, जिससे कि आसपास के एरिया में पता लगे कि कोई व्यक्ति वहाँ पे खड़ा है। नेक्स्ट है सीसीटीवी कैमरा। सीसीटीवी कैमरा क्या होता है? वो तो सबको पता होगा, कैमराज लगाए जाते हैं जिससे कि हम चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरा। नेक्स्ट है सेफ्टी हेलमेट, सुरक्षा हेलमेट। देखा होगा आपने बेटा बाइक चलाते हैं या गेम्स खेलते हैं तो हेलमेट्स पहनते हैं। ऐसे ही अगर जो कुछ लोग होते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन वाली जगह पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन समझते हो, जहाँ पे बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो ऊपर से कुछ ईंट वगैरह ऊपर फेंकनी या ऊपर से कुछ नीचे गिरने का खतरा होता है, तो ऐसे लोग हेलमेट पहनते हैं कि उनके सिर को कोई किसी प्रकार का नुकसान ना हो, कोई भी भारी चीज के गिरने से या फिर लगने से। तो ये थे कुछ सुरक्षा उपकरण जो कि सुरक्षा में इस्तेमाल किए जाते हैं। थैंक यू।